नमस्कार, द डजन स्टोरीज में मैं सुनीता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। रविवार को सल्तनत ऑफ ओमान के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सऊदी अरब के अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में सहयोग, उन्नति और अनुभवों के आदान प्रदान पर चर्चा की। सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पेट्रोलियम एंड केमिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जहीर अलबरी ने GCC वाटर इनोवेशन प्राइज का फर्स्ट एडिशन जीता। अलबरी, जो SQU में नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक भी हैं, को नैनो फाइबर बढ़ाने वाले सेफ वाटर मैनेजमेंट पर रिसर्च के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सऊदी अरेबिया में पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने सूचित किया है कि जिन छात्रों को COVID-19 वैक्सीन प्राप्त नहीं करने की छूट दी गई थी, उन्हें अब इम्यूनाइज्ड मान लिया जाएगा। GCC के फिल्म फैंस के लिए एक अच्छी खबर, शारजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ के आगामी 8th एडिशन में रीजनल और पूरी दुनिया से बच्चों के 80 से अधिक शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्रीज प्रदर्शित करेंगे। इसके आनंद 10 से 15 अक्टूबर के बीच लिया जा सकेगा। एक जागरूकता अभियान के तहत खतर में हमाद मेडिकल कॉरपोरेशन ने एनुअल इन्फ्लुएंजा सीजन शुरू होने के साथ ही गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने और फ्लू के कारण होने वाली गंभीर बीमारी को रोकने के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। बहरेन में हिज हाइनेस शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन सलमान अल खलीफा ने एक केबल संदेश द्वारा द क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा को मुबारकबाद दी है। यह संदेश उन्होंने 2021 C3 US अरब हेल्थकेयर और बिजनेस समिट द्वारा C3 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित होने पर भेजा गया है। आज के खबरों में बस इतना ही। द डजन स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।